आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस घटना से देश भर में आक्रोश व्याप्त है और विभिन्न अस्पतालों में सेवाएं बाधित हो रही हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी माँ माटी मानुष का नारा भूल गई है और अब भगवान राम को भी गाली देने लगी है। गिरिराज सिंह ने कोलकाता की घटना की तुलना निर्भया कांड से करते हुए कहा कि यह घटना उतनी ही क्रूर और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा, भगवान राम शांति और सद्भाव की प्रतीक है और वह बंगाल में हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे। कोलकाता के इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने पूछा, राज्य सरकार क्या कर रही थी जब इतनी जल्दी 7,000 लोग इकट्ठा हो गए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता की तस्वीरें मीडिया में ना दिखाई जाए और ना ही सार्वजनिक की जाए। इस घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक मेमोरेंडम जारी किया जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस निर्देश के अनुसार ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट या किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में अस्पताल या संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वे घटना के 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज कराएं। ये कहती है माँ मानुष और माटी बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां माटी मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा है। साथ ही साथ अभी खबर आई है, एक युवक का सर भी कटा मिला है। ममता दीदी, राम शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वही अन्याय रूपी रावण त्रिजटा तारका सुपनेखा का भी नाश किया है, इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण तारका सुपनेखा का बध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं, आप माँ माटी और मानुष भूल चुकी हैं। क्योंकि वो जानती हैं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, ये नहीं कह रही हैं कौन है। बंगाल में एक खड़का भी इधर सुधर होता है तो बिना ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के इजाजत का नहीं होता। वहां अगर गुंडागर्दी भी होती तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बगैर नहीं होता। ये शरगना है और ये सद्भाव के प्रतीक ममता नहीं। प्रधानमंत्री